उत्तर प्रदेश फिजियोथेरेपी एसोसिएशन द्वारा एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया। फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा अनेक रोगों की जांच व इलाज निःशुल्क किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी गुप्ता ने बताया कि कैंप का मुख्य उद्देश्य केवल फिजियोथेरेपी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज के समय में मरीजों को दवाई खाने के साथ साथ सही होने के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण वो इधर उधर भटकते रहते हैं। कैंप में लगभग 50 मरीजों का इलाज व परीक्षण किया गया। कैंप में डॉक्टर प्रभा, डॉक्टर राहुल चौधरी, डॉक्टर दीपक गर्ग, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर वीरेंद्र दिवाकर, डॉक्टर एम ए खान, डॉक्टर शील, डॉक्टर सत्यदीप, डॉक्टर नितिन मलिक, डॉक्टर नोमान, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर अंशु वर्मा, डॉक्टर रामेंद्र, डॉक्टर रोहित व क्षेत्र के समस्त गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैम कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो मतलब 1-1.5 साल हो गया, काफ़ी परेशान रहती है तो आती हूँ यहाँ पर। कुछ फ़र्क पड़ा आने के बाद? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा, काफ़ी आराम नहीं हो रही आने से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है। सर कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो आज पहली बार आया हूँ। सर हाँ, मुझे मेरे बच्चे आते हैं और मैं आज पहली बार आया हूँ, जानकारी हुई। सर कितनी फीस ली गई आपसे आज? कोई फीस नहीं ली गई। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रभा। किस चीज़ को लेकर आज आपने शिविर लगाया? आज हमने जो ये अपना कैंप लगाया है, निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप, उत्तर प्रदेश फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की तरफ से। इसमें हमारा मेन जो इंटेंशन है, लोगों को जागरूकता देना। आजकल का व्यक्ति दवाई खा खा के परेशान हो गया है, तो हमारा जो ये ट्रीटमेंट है वो लोगों को बिना मेडिसिन के रिलीफ देगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो तकलीफें हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से। जो बच्चे चल नहीं पाते, बोल नहीं सकते, उन लोगों को इसका भी पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़। तो हमारा मेन जो मकसद है वो उन लोगों को अच्छे से बताना कि इसके द्वारा कुछ हद तक हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। आज आपने ये निःशुल्क कैंप लगाया? हाँ, ये हमारा निःशुल्क कैंप है। मैम आज के अलावा फीस कितनी चलती है आपकी? ये हमारा निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। मैम आज निःशुल्क है ना, उससे हाँ। पहले आप कितनी फीस लेते थे? उससे पहले हमारी फीस है 400 रुपए, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं या जो लोग पेमेंट नहीं दे सकते उनका फ्री इलाज भी करते हैं। जो लोग असहाय हैं पैसे से तो उनका फ्री। मैम आप 400 रुपये में कितने दिन तक देखते हैं? एक हफ्ता 8 दिन तक देखते हैं उसमें।